कांग्रेस पार्टी दे नेता राहुल गांधी नूं जिस मानहानी दे मामले विच 2 साल दी सज़ा हुई है, अजिहे मामले अक्सर माफ़ी मंगण नाल निबड़ जांदे हन। डंडी इस केस विच जे राहुल गांधी माफ़ी मंग लैंदा तां शायद उन्हां दी संसद दी प्रतिनिधता बच जांदी। डंडी उच्च अदालत दा फैसला आउण तों बाद उन्हां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा है ते मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। डंडी इतिहास ते नज़र मारीए तां अजिहा नहीं कि उन्हां ने कदे अजिहे मामलियां विच माफ़ी नहीं मंगी है। डंडी हुण तक राहुल गांधी 3 वार माफ़ी मंग चुके हन। डंडी इस दे उल्ट एक पक्ष ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਪੈਂਦੇ। ਡੰਡੀ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡੰਡੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, अदालत वल्लों राहुल गांधी दे खिलाफ वड्डा एक्शन लिया गया है। डंडी मोदी सरनेम नूं लै के कीती गई टिप्पणी दे मामले विच कांग्रेस दे नेता राहुल गांधी नूं 2 साल दी सज़ा सुनाई गई है। डंडी हालांकि इस तो तुरंत बाद उन्हां नूं जमानत मिल गई है, पर इस फैसले दी वजह करके उन्हां दी लोकसभा विचली प्रतिनिधता नहीं रही है। डंडी नैक्सट पैसेज, हुण सवाल यह खड़ा हुंदा है कि इस मामले विच आप फसे हन जां उन्हां नूं फसाया गया है। डंडी असल च भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने राहुल गांधी दी इस टिप्पणी नूं तूल देई ही रखी अते ठंडा नहीं पैन दिता। डंडी अदालत वल्लों फैसला सुनाए जान तो बाद हालात यह बन गए कि उन्हां दी संसद दी मैंबरशिप जांदी रही है। डंडी यह आम जिहा अजिहा मामला सी जिहड़े ज़्यादा करके अदालत विच अफसोस जाहर करन जा माफ़ी मंगण नाल ख़त्म हो जांदे हन। डंडी मेरी सलाह नाल इस मामले विच वी जे ओह अदालत विच माफ़ी मंग लैंदे तां शायद उन्हां दा शायद MP-ship बच जांदी। डंडी होर तां होर उन्हां दा लोकां विच वी कद उच्चा हो जांदा। डंडी जमानत ना लैंदे अते जेल जाण नूं पहल दिंदे तां वी सियासत विच उन्हां दी पैठ वध जाणी सी। डंडी राहुल गांधी अपनी टिप्पणियां लई माफ़ी मंग चुके हन। डंडी सब तो पहलां वी उन्हां नूं माफ़ी मंगनी पई सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਨੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਡੰਡੀ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਡੰਡੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ
अपनी जान बचाई है। डंडी।